नमस्कार, आप देख रहे हैं रतम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सीबीआई जांच के दौरान कई तरह के खुलासे हुए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में मुफ्त और अच्छी शिक्षा के दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के दावों का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद राव आईएएस कोचिंग सेंटर में 27 जुलाई की शाम बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में सीबीआई ने बताया है कि राव आईएएस स्टडी सर्कल का मालिक जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए कर रहा था। मालिक ने दिल्ली नगर निगम के जरिए बनाए गए नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। सीबीआई ने 31 अगस्त को आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए स्पेशल कोर्ट से राव आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता और अन्य आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने के लिए इजाजत मांगी। अन्य आरोपियों में देशपाल सिंह, हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और ताजिंदर सिंह शामिल हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्गे ने सभी आरोपियों को 4 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई के जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली एमसीडी ने 9 अगस्त 2021 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया था। इसका मतलब था कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग, स्टोरेज और अन्य नॉन कमर्शियल चीजों के लिए होगा। इसके बाद भी स्टडी सर्कल का मालिक अभिषेक गुप्ता ने बेसमेंट को लेकर 5 जनवरी 2022 को 9 साल के लिए एक लीज एग्रीमेंट किया, जिसके जरिए इसे लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल में बदल दिया गया। नियमों का उल्लंघन करते हुए इसके लिए 4 लाख रुपए महीना किराया भी तय हुआ। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर बने नियमों का उल्लंघन करते हुए लीज पर देने वाला और लीज हासिल करने वाला शख्स जानबूझकर कोचिंग सेंटर चलाने के लिए बेसमेंट के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर सहमत हुए थे। अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद भी राव आईएएस स्टडी सर्कल लगभग 1 वर्ष तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना काम करता रहा। इस पूरे मामले से साफ है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो साफ साफ एक लापरवाही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या ऐसे कोचिंग सेंटर पर कड़ी निगरानी की जाएगी या फिर केवल बड़े हादसे यूं ही होते रहेंगे। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।